Hey guys, in this video, I am breaking down the best tripod stand in 2023. So guys, आप एक ऐसा ट्राइपॉड स्टैंड ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के साथ साथ इंडोर एंड आउटडोर वेडिंग शूट्स, न्यूज स्टूडियो, प्रोडक्शन हाउस जैसा वर्क करते हो। इवन अगर आप रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग भी करते हैं तो आप एकदम सही जगह आए हो। यहाँ पे आपकी सारी नीड्स को कवर करते हुए लिस्ट में टोटल 6 ट्राइपॉड स्टैंड को लिया है, जिसमें इनकी प्राइस 1000 से लेकर 7000 रुपीज तक की रखी है। एंड ट्रस्ट में गाइस, ये ट्राइपॉड स्टैंड आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्टैंड हो सकते हैं, क्योंकि लिटरली काफी डीप रिसर्च के बाद इन्हें इस लिस्ट में लिया गया है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइस, लिस्ट में एट नंबर 6 पे आने वाला ट्राइपॉड स्टैंड आपको ओसाका की तरफ से OS550 देखने को मिलता है। गाइस, ये ट्राइपॉड स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका बजट अराउंड 1000 रुपीज तक का है, एंड इस प्राइस रेंज में उनको DSLR स्मार्टफोन, GoPro या फिर पॉइंट ऑन शूट कैमरास के लिए ट्राइपॉड चाहिए तो ये उनके लिए बेस्ट है। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, प्रीमियम ब्लैक फिनिश्ड कलर के साथ में एल्यूमिनियम मटेरियल का यहाँ पे यूज किया है, जो कि लिटरली काफी लाइटवेट है। हाइट की बात करें तो ये ट्राइपॉड 55 इंचेस यानी अप्रोक्सीमेट 4.5 फीट तक की हाइट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, एंड इसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 2.5 केजी तक की है, जिसमें चाहे आप हैवी स्मार्टफोन या फिर नॉर्मल DSLR लगाए सभी के लिए बेस्ट है। ट्राइपॉड का ऑल ओवर वेट अराउंड 750 ग्राम्स का है, सो इसकी प्राइस के हिसाब से ये भी एकदम सही है। बाकी कॉम्पैक्ट सा ये ट्राइपॉड मोबाइल होल्डर के साथ में आपको मिल जाता है, एंड अलग से हाई क्वालिटी स्टोरेज बैग के साथ में भी आता है, जो कि ट्राइपॉड को इजी टू कैरी करने में काफी हेल्प करता है। सो गाइस, ये है वो ट्राइपॉड जो कि आपको 1000 रुपीज की प्राइस रेंज में अमेज़न पे देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, इसे वो ही लोग खरीदे जिनका बजट अराउंड 1000 रुपीज तक का है। बाकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। अभी गाइस, एट नंबर 5 पे आने वाला ट्राइपॉड स्टैंड आपको डिजिटेक की तरफ से DTR550 देखने को मिलता है। गाइस, ये मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला बजट फ्रेंडली ट्राइपॉड स्टैंड है, जो कि आपकी सारी नीड्स लाइक हाइट, लोड कैपेसिटी, पोर्टेबिलिटी, वेट, इन सभी कंडीशंस को पूरा करता है। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, मैट ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में एल्युमिनियम फ्रेम का यहाँ पे यूज किया है। हाइट इसकी 67 इंचेस यानी 5.5 फीट इसकी मैक्सिमम हाइट है, जो कि नॉर्मल क्रिएटर्स के लिए सफिशिएंट है। लोड कैपेसिटी में यहाँ पे ये ट्राइपॉड 4.5 केजी तक का वेट इजीली झेल सकता है, सो ये भी काफी बढ़िया है। स्मार्टफोन से लेकर DSLR, GoPro सभी यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। बाकी अपर साइड में 360 डिग्री बॉल हेड मिल जाता है, जिसमें स्टेबल शॉट्स के साथ साथ बी रोल एंड एफ रोल अच्छे से शूट कर सकते हैं। फीचर्स में यहाँ पे आपको रबराइज्ड लेग्स, कन्वीनियंट हुक, 3-way हेड, क्विक रिलीज, मल्टीपर्पज हेड जैसे कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको अराउंड 1500 रुपीज में अमेज़न पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक बजट फ्रेंडली ट्राइपॉड चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट ट्राइपॉड है। बाकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, लिस्ट में एट नंबर 4 पे आने वाला ट्राइपॉड आपको अगेन डिजिटेक की तरफ से DPTR890 देखने को मिलता है। अभी ये एक प्रोफेशनल ट्राइपॉड स्टैंड है, जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको फोटोग्राफी के साथ साथ टेबल माउंट वीडियोस शूट करनी हो। मतलब नॉर्मल ट्राइपॉड के हेड को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप अप एंड डाउन के साथ साथ हैंडल रोड को टिल्ट करके अनबॉक्सिंग एंड प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस अच्छे से बना सकते हैं। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में टफेड एल्यूमिनियम फ्रेम का यहाँ पे यूज किया है, सो ये भी काफी बढ़िया है। हाइट इसके अराउंड 178 सेंटीमीटर यानी 5.8 फीट तक की है, जिसमें इसका ऑल ओवर वेट 2.1 केजी का है। लोड कैपेसिटी की बात करें तो ये ट्राइपॉड अप टू 7 केजी तक का लोड इजीली झेल सकता है। फीचर्स में यहाँ पे आपको फ्रिक्शन कंट्रोल, ऑटो लॉक, क्विक रिलीज माउंटिंग, सेपरेट पैन, टिल्ट लॉक्स, लेवल टेस्टर, 3-way हेड जैसे कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे।
अब बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको अराउंड 3200 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक हैवी वर्क के लिए कोई अच्छा सा ट्राइपोड स्टैंड चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजिली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, लिस्ट में एट नंबर 3 पे आने वाला ट्राइपोड स्टैंड आपको हाइफिन की तरफ से HF510 देखने को मिलता है। गाइस, ये भी एक प्रोफेशनल हैवी वर्क ट्राइपोड स्टैंड है जिसमें आपको मेटल बोर्ड हेड मिल जाता है, मतलब यहाँ पे आपको स्टेबल शॉट्स के साथ साथ मूविंग शॉट्स काफी स्मूथली बना सकते हैं। आप देख ही सकते हैं इसका हेड कितना स्मूथली रोटेट हो रहा है। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रीमियम मैट कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ एल्यूमिनियम फ्रेम यहाँ पे आपको मिल जाता है। हाइट इसकी 65 इंचेस यानी 5.4 फीट इसकी मैक्सिमम हाइट है। बाकी ऑल ओवर वेट इसका 1.5 केजी का है, जिसमें टोटल लोड कैपेसिटी अराउंड 7 केजी की यहाँ पे आपको मिल जाती है। फीचर्स में यहाँ पे आपको 180 डिग्री रिफ्लेक्स डिजाइन, ऑटो लॉक, क्विक रिलीज माउंटिंग, बॉल हेड, बबल लेवल फॉर एक्यूरेट स्टेप, थ्री वे हेड, मल्टीपर्पज हेड विद क्विक रिलीज जैसे कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको अराउंड 4300 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक स्टेबल एंड स्मूथ ट्राइपोड स्टैंड चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजिली चेकआउट कर सकते हैं। अभी गाइस, एट नंबर 2 पे आने वाला ट्राइपोड स्टैंड आपको अगेन हाइफिन की तरफ से HF550 देखने को मिलता है। अब गाइस, ये ट्राइपोड पहले वाले ट्राइपोड का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोड मिल जाती है। मैक्सिमम हाइट इसकी 65 इंचेस यानी 5.4 फीट तक की है। बाकी के सभी फीचर्स लाइक रिफ्लेक्स डिजाइन, ऑटो लॉक, क्विक रिलीज माउंटिंग जैसे फीचर्स एकदम सेम है। इसमें अगर कुछ अलग है तो वो है इसका रोटेटिंग बॉल हेड, मतलब यहाँ पे आप फोटोग्राफी के साथ साथ टेबल माउंट वीडियोस इजीली बना सकते हैं। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको अराउंड 6400 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस प्राइस रेंज में ये ट्राइपॉड भी काफी अच्छा है। बाकी अगर आप इसे खरीदना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, लास्ट नंबर 1 पे आने वाला ट्राइपोड स्टैंड आपको डिजिटेक की तरफ से प्रो प्लस देखने को मिलता है। ये ट्राइपोड स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के साथ साथ इंडोर एंड आउटडोर वेडिंग शूट्स, प्रोडक्शन हाउस, न्यूज स्टूडियो के लिए हैवी ट्राइपोड चाहिए। हालांकि ये काफी महंगा ट्राइपोड है, इसे वो ही लोग खरीदे जिनको ये सभी वर्क परफॉर्म करना हो। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, एकदम अलग कंसेप्ट से इसे बनाया गया है एंड ये टोटली एल्यूमिनियम फ्रेम का बना हुआ है। हाइट के अराउंड 5.10 फीट तक की मिल जाती है, जिसमें ऑल ओवर वेट इसका 3.1 केजी का है। लोड कैपेसिटी की बात करूं तो ये ट्राइपोड 15 केजी तक का लोड इजीली झेल सकता है। सो यहाँ पे आप हेवी से हेवी कैमरा एंड लेंसेज इजीली लगा सकते हैं। फीचर्स में यहाँ पे आपको डबल हेड, एडजस्टेबल पैन, क्विक रिलीज, स्टडी रबराइज्ड लेग्स फॉर बेटर स्टेबिलिटी जैसे कई सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको अराउंड 7300 में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक इंडोर एंड आउटडोर शूट्स के लिए हैवी ट्राइपोड स्टैंड चाहिए तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लिटरली इस प्राइस सेगमेंट में ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट ट्राइपोड स्टैंड हो सकता है। बाकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, ट्राइपोड स्टैंड खरीदने का अगर आपका कोई डिफरेंट क्राइटेरिया हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से अलग अलग ट्राइपोड स्टैंड्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में।
हूँ।